सीमित दृष्टि और बुद्धि से हम जितना दुनिया को देख पाते हैं, वास्तविक दुनिया को समझने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक दुनिया उससे कहीं अधिक विशाल और विस्तृत है। इस दुनिया के रहस्य भी इतने मनमत हैं कि कभी तो यथार्थ भ्रम लगने लगता है और कभी हम भ्रम को ही यथार्थ मान लेते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य के सेंट पैंसबर्ग में है। ये एक झील है जिसका रहस्य आपके दिमाग को 360 डिग्री पर घुमा देगा। इस झील का नाम है फंडूजी झील। इसका निर्माण पास से बहने वाली म्यूटेल नदी में होने वाले एक प्राचीन भूस्खलन से हुआ था। लेकिन इस झील का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिसने भी इस झील का पानी पिया वो जिंदा नहीं बचा। आखिर क्या है इस झील का रहस्य, आइए आज के वीडियो में ये जानते हैं। दोस्तों, पूरी झील और आसपास का वातावरण थोड़ा अजीब है। कभी कभी ऐसी नीरवता और निस्तब्धता छा जाएगी मानो पूरे माहौल को ही काट मार गया हो, और कभी वहां ऐसी विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती हैं जैसे पहले कहीं कभी सुनी ना हो। कभी कभी कुछ अजीब तरह के जानवरों के सामूहिक रूप से चीखने की आवाजें आती हैं मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। वो सुनकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस झील के पानी को पीने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। इसका मतलब ये नहीं कि इस झील का पानी प्रदूषित है या इसमें किसी प्रकार का जहर मिला हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि म्यूटेल नदी जिसका पानी इस झील में आता है वो एकदम स्वच्छ है। फिर इसमें आखिर कौन सा जहरीला तत्व मिला है जो प्राण घातक है? इस रहस्य को जानने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा समय समय पर कई प्रयास हुए, लेकिन उनमें से किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। हर प्रयास के साथ किसी न किसी तरह की कोई रहस्यमय घटना घट जाती और वो प्रयास विफल हो जाता। शुरू शुरू में इस तरह की घटनाओं को केवल संयोग समझकर टाल दिया जा रहा था, लेकिन जब हर शोधकर्ता के साथ इस तरह की रहस्यमय घटना घटने लगी तो खोजकर्ता सतर्क हो गए। कईयों के मन में तो डर बैठ गया। कारण सिर्फ रहस्यमय घटनाएं नहीं थी बल्कि झील का पानी पीने वालों की मौत थी। सबसे बड़ी बात, इस झील का पानी पीने वालों की तुरंत मौत भी नहीं होती जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उसमें किसी प्रकार का कोई जहरीला तत्व है। लेकिन इन मौतों से जांचकर्ता घबराने लगे और जल्द ही उनका इस झील के रहस्यों से मोह भंग हो गया। इस झील का रहस्य उसके पानी की तरह और गहराई में उतर गया। इस झील के रहस्य से संबंधित अंतिम घटना सन 1956 की है, जब एंडी लेविन नाम के एक खोजकर्ता ने इसके रहस्य को उजागर करने की ठानी। एंडी को रसायन शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, यही कारण था कि उस पर इस झील के रहस्यों को खोजने का भूत सवार था। उसके दोस्तों और संबंधियों को जब उसकी इस सनक का पता लगा तो उन्होंने उसको टोका और उसको ऐसा न करने के लिए हर तरीके से समझाया, लेकिन एंडी अपनी जिद के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अपने एक सहयोगी को लेकर एंडी निकल पड़ा उस अभिशप्त झील के रहस्यों को समझने के लिए। हालांकि एंडी पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन उसने अपने कार्य में सहायता के लिए स्थानीय कबीले के लोगों से संपर्क साधा, लेकिन फंडूजी झील का नाम सुनते ही उन लोगों को सांप सूंघ गया और उन्होंने उसकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि कबीले के वृद्ध हो चुके मुखिया ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया। उन्होंने उसको चेतावनी भी दी कि ऐसा करने पर तुम अपनी दुनिया में पहुंच भी ना पाओगे, लेकिन एंडी नहीं माना। वो अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़ गया। जब वे दोनों झील के आसपास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वातावरण की भयावहता को देखते हुए दोनों ने रात वहीं एक सुरक्षित स्थान पर गुजारने की सोची। अगले दिन की अलसाई सुबह में उनकी आंखें थोड़ी देर से खुली, लेकिन चैतन्य होते ही वे अपने साथ लाई बोतलों में झील का पानी भरने लगे। सूर्य की चटकीली किरणों से वहां का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक गजब की नीरवता छाई हुई थी। एंडी को झील का पानी कुछ गहरे मटमैले रंग का दिखा। उसने उसका स्वाद जानना चाहा और उन लोगों ने झील के पानी को पी लिया। एंडी को उसका स्वाद कुछ विचित्र जैसा जान पड़ा।
पानी का नमूना इकट्ठा कर लेने के बाद लोगों ने झील के आसपास के कुछ पौधों तथा झाड़ियों को भी इकट्ठा किया और अपने साथ ले जाने के लिए उनको सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर विश्राम करके जब वो वापस चल पड़े तो उनके साथ शुरू हो गया अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। वापसी में उन्हें उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ना था जिधर से वे आए थे, लेकिन वे चल पड़े थे पश्चिम के रास्ते पर। जब आधे से अधिक रास्ता उन्होंने पार कर लिया तब उनको समझ में आया वो तो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लौटकर वो लोग वापस झील तक आए और यहां से फिर से पूरब की तरफ बढ़े। अब तक थोड़ा अंधेरा घेर चुका था, अतः वे लोग एक स्थान पर रुक गए। सवेरा होने पर उन लोगों ने वापसी के लिए फिर से प्रस्थान किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर उनको लगने लगा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार फिर वे लोग वापस लौटे, इस बार पूरी तन्मयता से अधिक सतर्कता बरतते हुए सावधानी पूर्वक पूर्व की तरफ बढ़े, लेकिन परिणाम वही निकला जिसका उनको डर था। वे फिर से रास्ता भटक चुके थे। अब की बार उनको समझ में आ चुका था कि वो लोग एक प्रकार के जाल में फंस चुके हैं, अतः इस बार उन्होंने कोई खतरा मोल न लेने की सोची। उन्होंने पानी से भरी बोतलें झील में फेंकी, पौधों और झाड़ियों को वहीं छोड़ा और पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरब की ओर बढ़ चले। इस बार वो लोग सफल हुए और सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गए, लेकिन अब तक लेविन की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में एक हफ्ते के भीतर उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के भीतर उसका सहयोगी एक कार दुर्घटना में मारा गया। इस झील के अभिशप्त सिद्ध होने की ये 13वीं घटना थी जो अभी तक लोगों के जहन में ताजा है। इस घटना के बाद आज तक फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई इस झील के पानी को पिए।